तो दोस्तों, जैसे कि आपने आगे एक छोटी सी क्लिप देखी होगी कि मैजिशियन एक बड़ा बॉक्स उसके पास होता है जिससे कि वो लड़की को निकालता है, यानी कि उस बॉक्स से लड़की को प्रकट कर लेता है। तो ये मैजिक कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके पीछे का क्या सीक्रेट है, ये मैं आपको आगे कुछ फुटेज और कुछ वीडियोज के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो बने रहे हमारे साथ, इस मैजिक का आज खुलासा करेंगे कि कैसे ये मैजिक किया जाता है। तो दोस्तों, इस मैजिक में ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, जो बॉक्स के नीचे जो प्लेटफॉर्म है, जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है, पूरा का पूरा सीक्रेट इसी में है। सबसे पहले आपको जो ये यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है जहाँ पे हमने एरो बनाया है, तो इस बॉक्स का और इस प्लेटफॉर्म का एक कनेक्शन है, जो कि इस प्लेटफॉर्म से एक रॉड गई है जो कि इस बॉक्स में है, जिस पे वो लड़की जो बॉक्स से बाहर आती है वो अभी बैठी हुई है। इस प्रकार से यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, सेम इसी प्रकार से उस प्लेटफॉर्म से एक रॉड गई है जो उस बॉक्स के अंदर इस प्रकार से लड़की की बैठने के लिए एक जगह बन रखी है। अभी उसके अंदर लड़की है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस मैजिशियन का एक पाँव पतला है और एक मोटा है। तो जो मोटा पांव जहाँ पे आपको येलो कलर का एरो दिखाई दे रहा है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे जो रॉड है वो उस रॉड इस पांव के अंदर से गई है जो कि पब्लिक को नहीं दिखाई देगी। इस प्रकार से वो रॉड पांव के अंदर से इस बॉक्स में अटैच हो रखी, पांव उसके पीछे जो है नहीं दिखाई दे रहा है। उस बॉक्स पे ब्लैक कलर का कपड़ा ही लगा रखा है, जैसे उनकी पैंट का कलर है, तो इस प्रकार से हमें वो दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही आगे देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर गया है जो इस बॉक्स के अंदर, जिस पे यहाँ पे ऊपर पे लड़की जो है वो बैठी हुई है, और जैसे ही जादूगर उसको बाहर निकालना चाहेगा तो इजीली यहाँ से उतर के बॉक्स से बाहर आ जाएगी। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से उस रॉड पे एक कपड़ा लपेटा गया है ब्लैक वाला, जो कि सेम पैंट के कलर के साथ मैच करेगा और ऑडियंस को लगेगा कि ये जादूगर का पांव है, जबकि वो जादूगर का पांव नहीं है। जादूगर का पांव उसके पीछे छुप रखा है, हाइड हो रखा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आसानी से दिख रहा है कि एक पांव बहुत पतला है और दूसरा जो पांव है उसकी साइज बहुत मोटी है। तो यानी कि ये पांव नहीं है, जादूगर का असली पांव जो है वो उसके पीछे है। तो पब्लिक इतना ध्यान नहीं देती है उस समय, और मैजिशियन अपना एक्ट दिखा देता है। इस प्रकार से वहाँ पर रोड गई है और इसके ऊपर जो है लड़की बैठी हुई है, जहाँ पे आपको येलो एरो दिखाई दे रहा है, लड़की अभी इसके ऊपर रहती है, ना कि जादूगर के हाथ में इस बॉक्स पे रहती है। इस प्रकार से लड़की बाहर आ जाती है और लोगों को लगता है कि एक खाली बॉक्स से जो है लड़की बाहर आ गई है, बट ऐसा होता नहीं है, होता कुछ और ही है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इसके पीछे का सीक्रेट समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको बहुत ही डिटेलिंग में समझाने की कोशिश की है, तो अगर आपको इसका सीक्रेट समझ में आ चुका है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक कर देना हमारे लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट मज़ेदार मैजिक ट्रिक की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।